So let me quickly discuss the results of say one of the candidate who has not cleared the CFA level 3 exams. As you can see on the screen, this candidate's score is almost in kissing distance of the minimum passing score. मिनिमम पासिंग स्कोर आपको दिख रहा है उसके एकदम किसिंग डिस्टेंस में है. इनफैक्ट उसके अराउंड जो क्लास इंटरवल बनाया हुआ है स्काई ब्लू वाला एरिया, वो एरिया मिनिमम पासिंग स्कोर को छू के ऊपर चला गया है. इसका मतलब ये लोग जो क्लास इंटरवल बनाते हैं कि भाई आपका पासिंग स्कोर ये है, बट देन योर स्कोर वुड लाइकली रेंज विद इन दैट. यानी कि ये पर्सन अगर थोड़ा सा लकी होता तो पास हो जाता, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डूइंग सर्टन क्वेश्चंस करेक्टली. ऑब्वियसली ये परसेंटाइल परफॉर्मेंस है, सबसे ऊपर वाला जो डैश्ड एरोज है वो 90% है और सबसे नीचे वाला जो डैश्ड एरोज है वो 10% है और मिनिमम पासिंग स्कोर के जस्ट किसिंग डिस्टेंस पे है. तो दीज आर कॉल्ड अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स. बट देन आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स डैट जो लोग उस तरह से अपना रिजल्ट देखते हैं अनफॉर्चुनेट, दे नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट क्रिटिसाइज देमसेल्व्स अ लॉट कि यार मतलब ये है वो है, नॉर क्रिटिसाइज द सिस्टम कि इट इज़ अनफेयर. द सिस्टम इज़ नॉट अनफेयर, यू आर ऑल्सो नॉट अनफेयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट कॉम्पिटिशन हैज़ बीटन यू. नाउ विच आर द एरियाज जहाँ पे अपना आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो एरियाज के लिए अपने सेकेंड पेज में चलते हैं. और इस पेज में परसेंटाइल नहीं है, इसमें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो आपने करेक्टली आंसर किए, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन. सो इफ वी लुक एट इट वी फाइंड दैट फर्स्ट टू एरियाज एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस वाला पोर्शन, उस पर द परफॉर्मेंस इज पैथेटिक. इनफैक्ट एथिक्स में तो पता नहीं लगता कोई भी राइट नहीं हुआ, वैसा कुछ हाल हो गया. इकोनॉमिक्स में भी बैड है, मतलब CME में, और बाकी सारे एरियाज में परफॉर्मेंस इज एवरेज और गुड. वी स्पेशली फाइंड दैट जो एसेट क्लासेज है ना, इक्विटी डेरिवेटिव्स, उस पर सुपर परफॉर्मेंस है. फिक्स्ड इनकम में और अल्टरनेट में भी गुड परफॉर्मेंस है, मे बी 60% राइट हुए, बिकॉज इक्विटी और डेरिवेटिव में तो 75% से ऊपर राइट हो गया. दिस इज नॉट परसेंटाइल, दिस इज परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली. जो लास्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसका दो पोर्शन है, वन इज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर फाइनेंस, उस पर सुपर परफॉर्मेंस है. पर जो दूसरा पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जिसपे एसेट एलोकेशन ट्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, उसके अंदर परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड बिकॉज केवल 50% राइट हुए. अब प्रॉब्लम क्या होता है, रिजल्ट देखते हुए जिसमें भी 50% से ऊपर राइट हुआ है, स्टूडेंट सोचता है कि उसमें तो अच्छा ही राइट हुआ है मेरा यार, 50% से ऊपर राइट, दैट विल नॉट डू. यू नो दैट 50% से ऊपर एक्यूरेसी लेवल डज नॉट मेक यू सेल थ्रू द एग्जाम. यू गॉट टू इंश्योर दैट आपका 70% से ऊपर एक्यूरेसी लेवल हो. इनफैक्ट 75% से ऊपर हो तो बढ़िया. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मिनिमम पासिंग स्कोर क्या डिसाइड हुआ है. जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है कि अगर एथिक्स में 50% टच कर जाता है, इकोनॉमिक्स में 50%, तो ये स्टूडेंट डेफिनेटली पास हो जाता एथिक्स और इकोनॉमिक्स पे. दैट्स वन वे टू व्यू. द अदर वे टू व्यू इज दैट जो PM का एरिया है, एसेट एलोकेशन ट्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लास्ट वाला, जहाँ 50 टच हुए, उसको ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, दैट मस्ट हैव बीन ऊपर. और मे बी फिक्स्ड इनकम और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप है. तो आई ऑलवेज फोकस ऑन जिसमें आपने बढ़िया किया और बढ़िया कर सकते हैं. इनफैक्ट आपका 75-76% भी राइट क्यों होगा, यू कैन हैव 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस राइट ना. तो इन दैट केस दिस इज हाउ यू शुड असेस योर रिजल्ट्स. अगर किसी का फर्स्ट पेज में किसी का अगर फर्स्ट पेज में सपोज बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आता, यानी कि जो 10% है उसके आसपास आता है, इसका मतलब वो स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है. तो इट इज एज क्लियर एज दैट. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज द CFA लेवल 3 का रिजल्ट्स. सो आई हैव माय कंसर्न्स फॉर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू पास CFA लेवल 3. द रिजल्ट परसेंटेज हैज़ बीन 49%. तो 49% मीन्स ऑलमोस्ट 50%, दैट मीन्स हर दो व्यक्ति जो एग्जाम दिया उस पर से एक पर्सन जो है निकल गया है. तो ऑब्वियसली इस टाइप के रिजल्ट्स में, खासकर इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में वे वी आर एक्सपोज टू 10-15% रिजल्ट्स इन CA एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे अगर 50% रिजल्ट्स है, वन शुड रियली इंट्रोस्पेक्ट कि इतना पैसा लगता है अपने इंडियंस का, मैंने बाहर का भी उतना ही लगता है, बट ऑब्वियसली वी आर अ लो पर कैपिटा इनकम कंट्री, वाई शुडेंट वी बी एबल टू क्लियर एट 49% रिजल्ट्स. ओके, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट एवरीबडी शुड आंसर.